hello students it's our english worksheet number 18 for class 10th scheduled to be done on 15th august 2020 and first of all happy independence day yay today is the great day for us for all of us now we must understand our our rights as well as our responsibilities we have to take care of them now the worksheet is about in the difficult situation seen around the world today, conflict, greed, insensitivity, and distress can be seen at many places. However, the strength built by you and your family, school, teachers, and friends has helped you connecting to people, helping others, building relationships. Taking care of your health are some of the ways of building your willpower. The online classes, worksheets and interaction with your teachers has helped you build re resilience. Yes. What is resilience? We have done in our earlier worksheet that resilience is the strength, is the ability to cope up in any situation. Any situation of distress. Aapko kabhi bhi हार नहीं माननी आपको उसमें अपना पेशेंस मेंटेन रखना है और किसी किस तरह से उस सिचुएशन में भी आप सॉल्यूशन पे फोकस रहते हैं आप परेशान नहीं होते किसी भी परेशानी से तो यहाँ पर हमें वो क्या रेजिलेंस इन्वॉल्व स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप है आपके अंदर स्ट्रेंथ है मोटिवेट यू टू गेट थ्रू प्रोटेक्टिंग सेल्फ अपने आप के लिए आप एक प्रोटेक्शन अगर रेजिलेंस है आपके अंदर स्ट्रेजिल्स एक स्ट्रेंथ है वो तो आप अपने आप को सेफ रखते हैं हर सिचुएशन में आप एफर्ट्स करते हैं आप जब सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आप एफर्ट्स कर रहे हैं आप उस प्रॉब्लम को एक टर्मोइल में नहीं घुसेंगे ऐसा हो गया क्यों हो गया अरे कोरोना आ गया है कोविड नाइन्टीन से ऐसा हो गया हम तो पढ़ भी नहीं पाते हम ये काम नहीं कर पाते हम बाहर नहीं जा सकते हम खेल नहीं सकते नहीं आज आपके अंदर ये चेंज आया आपने उसको एक्सेप्ट किया पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सब ने अपनी जो स्टडीज़ थी उसको मेंटेन किया अपने सभी काम नॉर्मली हम सब कर रहे हैं लेकिन विथ टेकिंग केयर ऑफ़ द विथ टेकिंग द प्रिकॉशंस तो यही चीज़ है कि वो एफर्ट्स करता है कि मैं अपना बेस्ट कैसे कर सकता हूँ किसी भी सिचुएशन में तो हम अडाप्ट हो गए तो चेंज होने के लिए हम रेडी हैं बिल्कुल एगिलिटी है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं अब देखिए इसमें है क्या मेंटल रेजिलेंस क्या है लाइक योर सेल्फ आपको टिप्स दिए गए हैं कि आप किस तरह से रेजिलेंस मेंटली आप रेजिलेंस मेंटेन कर सकते हैं वो स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हैं अपने अंदर अपने आप से प्यार करिए सबसे पहले जो अपने आप से प्यार करता है वो ही किसी और से प्यार कर सकता है अब देखिए टू चेंज मैंने अभी आपको बताया एज पर द सिचुएशन वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज और वॉट इज रिक्वायर्ड हमें क्या ज़रूरत है उस कंडीशन में किस तरह से हमें एडजस्ट करना है वो हम उसके लिए रेडी होने चाहिए अगर आप एडमेंट हो जाओगे जिद्दी हो जाओगे नहीं मैं ऐसे कैसे मैं तो नहीं ऐसे करूँगी तो नुकसान किसका है नुकसान आप ही का होगा डेयर टू से नो अगर आप नहीं कर सकते तो इतनी हिम्मत रखिए कि ये चीज़ सही नहीं है और मैं नहीं कर सकता मैं नहीं करूँगा क्योंकि अगर आप उस चीज़ के लिए हाँ कर देंगे तो आप परेशान होंगे तो इससे अच्छा जो आपको ठीक लगता है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए सबके सामने घबराने की ज़रूरत नहीं है और जो आपको अच्छा लग रहा है उसके लिए गो फॉर इट उसको काम को कर डालिए करना शुरू कर दीजिए गो फॉर इट स्टार्ट कर दीजिए उसको टॉक अबाउट इट अगर आपको कोई भी परेशानी है कुछ भी आपको कोई चीज़ है जो कन्फ्यूज़ कर रही है तो उसके बारे में अपने सीनियर से अपने एक्सपीरियंस पर्सन से अपने मम्मी पापा से बात करिए जब आप बात करेंगे तो हंड्रेड परसेंट उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ट्राई समथिंग न्यू अभी आप बेटा देखेंगे अगर आज आप आज की वर्कशीट सिक्स क्लास की देखेंगे सिक्स टू एट्थ क्लास की तो यही चीज़ बोली गई है ट्राई समथिंग न्यू क्रिएटिविटी इंक्रीज करती है ये कुछ नया ऐड होता है जब हमारी लाइफ में तो हम और भी ज़्यादा इंथोजियाटिक हो जाते हैं किसी काम को और आप एक कमरे में भी जो एग्जांपल है कि एक कमरे में अगर हम पोजीशन भी चेंज कर देते हैं अपनी चीज़ों की तो हमें एक नयापन दिखाई देता है और हम और ज़्यादा उससे हमें एक ताज़गी महसूस होती है तो किसी भी काम को क्रिएटिवली करिए उसको नए तरीके से करिए कुछ नया सोचिए कि मैंने ये कर लिया अच्छा चलो मैं ये करती हूँ मुझे नहीं आता ताकि आपका उसमें काम में मन लगे टेक द बैड विद द गुड देखिए अगर किसी में अच्छाई है तो बुराई ज़रूर है लेकिन आप उसकी अच्छाई को लीजिए बैड को उस समय में आप ठीक है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए उसको क्रिटिसाइज़ मत करिए उस काम उस वजह से रिलैक्स एंड लेट गो छोटी मोटी बातें हो जाए तो रिलैक्स करिए और बाकी छोड़ दीजिए हम कभी भी बुराइयों को अपने साथ लेकर जैसे अभी का लेट गो जाने दीजिए किसी की बुराई है किसी ने कुछ गलत किया उसे माफ़ कर दीजिए कभी भी पिछली बातों को बेटा अगर आप पास्ट में जिएंगे तो आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप फ्यूचर में जिएंगे कल क्या होगा परसों क्या होगा एक महीना बाद क्या होगा मैं कैसे करूँगी तो आप तब भी प्रेजेंट प्रेजेंट इज़ द गिफ्ट गिफ्ट ऑफ़ गॉड हमारे पास जो है वो सिर्फ प्रेजेंट है एंड वी मस्ट लिव इन प्रेजेंट एंड इन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर प्रेजेंट आपके पास जो है उस हर मोमेंट को इन्जॉय कीजिए हर दिन ईश्वर की दी हुई एक देन है गिफ्ट है और हमें उसे बेस्ट यूटिलाइज करना है सेट गोल्स बेटा गोल अगर आप कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो गोललेस पीपल कभी कुछ अचीव नहीं कर पाते आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है और उस करने का कारण क्या है तो वो पर्सन कभी भी उतना अचीव नहीं कर सकता आपकी एबिलिटी जो है आप उसको हंड्रेड परसेंट यूज़ कर सकते हैं अपने स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं आपके डिफरेंटली हर बच्चा हर इंडिविजुअल डिफ़रेंटली स्किल्ड है उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो दूसरे के पास नहीं है बट यू नीड टू रियलाइज दीज क्वालिटीज़ एंड सेट योर गोल्स अचीव योर गोल्स एंड गेट सक्सेस तो आप सक्सेस तब पाएंगे तो सबसे पहला प्लानिंग होती है और प्लानिंग में सबसे पहले है आपको करना क्या है तो आप अपने गोल सेट करिए गेट फिट तो हमें स्ट्रेंथ लाने के लिए सबसे पहले हमारी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड लिवस इन अ हेल्दी बॉडी तो हेल्थ इज़ वेल्थ आपको सबसे पहले फिट रहना है बैलेंस डाइट खानी है आपको बार बार ये अवेयरनेस के लिए बार बार वर्कशीट्स में भी कहा जा रहा है आपको मीडिया के थ्रू भी मैसेज दिया जा रहा है कि आप जितना हो सके अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए अभी या आगे भी हमेशा जब भी इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है तो हमें किसी भी डिजीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती हमारी बॉडी खुद ही उससे फाइट कर लेगी इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी टू फाइट बॉडी खुद अपने आप किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गैनिजम्स उनसे फ़ाइट करती है और उसके बाद वो वो आपको प्रिवेंट करती है उस डिजीज़ से उस चीज़ से संभाल लेती है आस्क फॉर हेल्प जैसे अभी बोला टॉक अबाउट इट इसी तरह से आस्क फॉर हेल्प भी मिलता जुलता है अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइए ईगो मत लाइए मैं नहीं कर सकती ये कैसे मैं तो टेंथ क्लास का बच्चा हूँ मैं तो ऐसे कैसे नहीं कर रही हूँ नहीं आप किसी की हेल्प लीजिए हर इंसान बेटा लर्निंग स्टेज में है लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम वम टू टॉम हमारा सीखने की जो क्रिया है वो जब हम पैदा होते हैं तब से ले कर हमारी मृत्यु तक हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं शुरू में आप लोग पढ़ाई सीख रहे हो चीज़ों को संभालना सीख रहे हो बाद में आप घर के काम भी सीखते हो बाहर के काम भी सीखते हो और धीरे धीरे हम मनुष्य हर चीज़ सीखता है तो कभी भी किसी से अगर आपको नहीं आ रहा तो हेल्प के लिए कहने में घबराइए नहीं कुछ भी सीखना एक अच्छी बात होती है बी क्यूरियस जिज्ञासु बनिए जानने की इच्छा रखिए काउंट ऑन फ्रेंड्स आपकी सबसे अच्छी चीज़ जिसको आप इन्जॉय करते हो कंपनी दैट इज़ योर फ्रेंड्स कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स तो आप अपने फ्रेंड्स को काउंट ऑन मतलब बढ़ाइए दोस्ती बढ़ाइए जब आप सबसे अच्छा व्यवहार करेंगे पोलाइटली बोलेंगे तो क्या होगा आप सब सबके सब की से मिल के रहेंगे सबकी हेल्प करेंगे एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेंगे ऑब्वियसली तो जितने भी आपके कांटेक्ट में आएंगे जो लोग भी आपसे संबंध रखेंगे चाहे वो घर में हो या बाहर हो वो सभी आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे और आपका एक बहुत अच्छा प्यारा सर्कल जिसमें आप खुश रह सकेंगे और खुशियाँ बाँटने से ही बेटा खुशियाँ और बढ़ती हैं और दुख को बांटने से वो घट जाता है आप उस परेशानी से बाहर निकल जाते हैं और उसमें हमारा सबसे बड़ा जो रोल होता है वो हमारी फ्रेंड्स का ही होता है आई होप यू अंडरस्टूड अब आज की वर्कशीट देखिए है क्या ये तो मैंने आपको सारा समझा दिया कि रेजिलेंस या मेंटल रेजिलेंस है क्या और हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं हमने वो वेस भी सीख लिए अब हमें एक आर्टिकल लिखना है बेटा राइट एन आर्टिकल इन वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स अबाउट हाउ योर क्लासेज वर्कशीट योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स हैव हेल्प्ड यू बिल्ड रेजिलेंस इन दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स तो ये सारे इन सब ने क्या कंट्रीब्यूशन किया कैसे आपको हेल्प किया और टॉपिक क्या है वी शैल ओवरकम वी शैल ओवरकम यानी कि हम हर चीज से हर हर परिस्थिति से हर परेशानी से बाहर आ जाएंगे और बहुत जल्दी वी विल मीट सून तो बेटा विद द ग्रेट एंथुजियाजम एंड विद द ग्रेट जील एंड यू हैव टू मेंटेन योर रेजिलेंस मेक योर स्ट्रेंथ एंड डू योर वर्क कीप लर्निंग स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हैवे नाइस डे आप सभी को ये पैराग्राफ अपने आप लिखना है अपने एक्सपीरियंसिस से लिखना है थैंक यू सो मच आई होप यू विल डू योर बेस्ट थैंक यू बाय